हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है चित्रानुसार एक ठोस क्षण ए बी दो ऊर्ध्वाधर चिकनी दीवारों के सहारे गतिशील है। यदि क्षण क्षण ए के ए सिरे का ऊर्ध्वाधर दिशा के अनुदिश वेग यू है, यदि क्षण हमेशा दीवार के संपर्क में रहती हो तो क्षण के वी सिरे का वेग हमें बताना है। हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, हम क्षण को अगर दोबारा बनाएं, ये हमारा क्षण है, ये ए है, ये बी है। क्षण का ये कोण हमें दिया गया है थीटा, ये कोण है 90, तो ये कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। अब छड़ का नीचे की दिशा में वेग यू है, तो इसके घटक अगर हम करें तो इस दिशा में इसका घटक आएगा यू कॉस 90 माइनस थीटा, और छड़ के लंबवत दिशा में आएगा यू साइन 90 माइनस थीटा। अब हमें निकालना क्या है? छड़ के बी सिरे का वेग। तो अगर हम बी का वेग कितना माने, वी मान सकते हैं, और देखिए ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी हमारा कितना होगा? थीटा ही होगा। तो बी के अगर घटक करें तो बी का इस दिशा में घटक आएगा बी कॉस थीटा, और छड़ के लंबवत घटक आएगा वी साइन थीटा। ठीक है। अब क्योंकि छड़ की लंबाई हमसे बोला नहीं है चेंज होती है, तो हम छड़ की लंबाई को नियत मान सकते हैं। तो अगर छड़ की लंबाई नियत है तो उस दिशा में छड़ के अनुदिश ए का वेग बराबर क्या होगा? छड़ के अनुदिश बी के वेग के बराबर होगा। छड़ के अनुदिश दोनों के वेग क्या होंगे? बराबर होंगे। तो छड़ के अनुदिश ए का वेग कितना है? यू कॉस 90 माइनस थीटा, और छड़ के अनुदिश वी का वेग कितना है? वी कॉस थीटा। यू कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। बराबर क्या हो जाएगा? वी कॉस थीटा। यहां से वी का मान देखे तो क्या हो गया? यू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो वी का मान आ गया यू टेन थीटा। तो वी सिरे का वेग कितना होगा? यू टेन थीटा के बराबर होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।